तो एक्चुअली मेरा इंटेंशन आपको बेवकूफ बनाना नहीं है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था तो मुझे लगा इसका रिप्लाई देना चाहिए क्योंकि लोगों को मिसकंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने डाल दिया और कोई बात ऐसा नहीं था। बोले हैं कि आ रहा हूँ, बस एक मिनट रुक जाइए। पीछे कितना अच्छा व्यू है ना सनसेट का। We feel the same, we love what we have. गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल नेहा नवनीत। मैं हूँ आपकी प्यारी नेहा। कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज जो है अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। अभी मैंने पिछले रोज जो वीडियो डाला था, शादी की दो क्लिप डाली थी, एक जो मैं दिल्ली से बिहार जा रही थी एंड दूसरा जो वहां पे मैंने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, पूजा एंड ऑल जो भी किया था उसकी वीडियोज डाली थी। बहुत सारे लोग बोल रहे, दीदी उसमें सब स्वेटर क्यों पहने हुए हैं, साल क्यों लगा हुआ है। तो और एक कमेंट ये भी आया था कि बेवकूफ बना रहे हो क्या, ये तो पुरानी वीडियोस है। तो एक्चुअली मेरा इंटेंशन आपको बेवकूफ बनाना नहीं है। दरअसल क्या था कि ये जो वीडियो था वो मेरा फरवरी में, मेरा मैरिज एनिवर्सरी होता है फरवरी में, जैसा कि इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग जुड़े हुए हो तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो उस समय मैंने ये क्लिप सेव किया था, मतलब शूट किया था इस क्लिप को एंड वो स्टोर था, मेरे को पता नहीं था। हाँ उस समय पे मैं इसको एडिट करके नहीं डाल पाई किसी रीजन की वजह से। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मिस्टर कुमार घर गए हुए हैं एंड मेरे पास फुल टाइम था, तो मैंने एक पेन ड्राइव को का वीडियो ऐसे ही बस देख रही थी तो मुझे इसमें एक क्लिप मिल गया। तो मैंने सोचा चलो ये दोनों वीडियो जो है वो शेयर कर लेते हैं आप लोगों से। सो दैट्स वाई मैंने ये वीडियो शेयर किया है। अभी आज से ये वीडियो मैं आज शूट कर रही हूँ, आज ही एडिट करूंगी एंड आज ही डालूंगी। सो आज से सारी जो भी YouTube पे मेरी अपडेट होगी वो लेटेस्ट ही होगी, करेंट जो मैं शूट करूंगी वो एडिट करके जस्ट डालूंगी। सो ये लोग आप ये मत समझे कि हर वीडियो पुरानी होती है। सो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ वो दो वीडियो थी वो पुरानी जरूर थी, वो ठंड मतलब फरवरी में तो हल्की बहुत ठंड होती है, उस समय की वीडियो थी। बाकी जो मिस्टर कुमार गए हुए घर, तो ऑब्वियसली घर गए हुए तो अभी मैं अकेली हूँ एंड फिर इसीलिए मैं वो चेक कर रही थी, मुझे मिल गया वो वीडियो। सो मैंने वीडियो को एडिट करके डाल दिया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो आई थिंक आप जान ही रहे हो मेरा मैरिज एनिवर्सरी कब है एंड ऑल, क्योंकि उस समय मैंने अपडेट किया था इंस्टाग्राम पे। सो अभी जो भी वीडियोस आएगी यूट्यूब पे वो सारी मतलब करेंट वीडियो आएगी। तो आप लोग की होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। और बस मेरे पास सेव था तो मैंने सोचा कि था तो आप लोगों से शेयर कर ही लेती हूँ। सो दैट्स व्हाई मैंने डाल दिया और कोई बात ऐसा नहीं था। सो आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे उस वीडियो को। हमने एक वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया बट फिर भी वो डांस वीडियो मैंने डाल दिया है, क्योंकि गाना ऐसा नहीं डाल सकते बट फिर भी मैंने डाला कि आप लोग इन्जॉय करो। बहुत सारे लोगों का कमेंट था तो मुझे लगा इसका रिप्लाई देना चाहिए क्योंकि लोगों को मिसकंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं एटलीस्ट उन लोगों को मिसकंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एंड बहुत सारा कमेंट था तो मुझे लगा चलो इसका जो टाइप करके अगर मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगी तो शायद मैं सही तरीके से नहीं समझा पाऊं, सो मैं इसका क्लिप शूट करूंगी। सो इसलिए मैंने इसका एक वीडियो अलग से लाया है इसका शूट करके एंड आप सभी के कमेंट का रिप्लाई किया है। होप आप मेरी बातों को समझे होंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक। आप सभी को पता है कि वट सावित्री पूजा काफी नजदीक आ चुकी है एंड मतलब बहुत सारे लोग तैयारियां भी स्टार्ट कर दिए होंगे एंड मैंने भी सोचा है कि कर ही देते हैं क्योंकि पूजा में बहुत सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ती है। तो आज तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, छोटी छोटी चीजें इसमें इकट्ठा करना पड़ता है, तो आज सोच रही हूँ कि मार्केट जाऊं एंड जो दो चार चीजें जो मिल जाएगा वो आज मैं ले आती हूँ। फिर क्योंकि 29 के नाइट को उसका प्रिपरेशन भी करना पड़ता है तो मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर चलते हैं बाजार ताकि छोटी छोटी चीजें खरीद पाए। काफी धूप है बट ठीक है, चले ही जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पास में ही जाऊँगी। मिट्टी के कुछ बर्तन लाने हैं, बर्तन नहीं है मतलब दीप और एक छोटा सा मतलब एक और होता है जिसमें आप दूध रखना होता है, तो वैसा कुछ लाना है। तो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, क्योंकि क्या मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा तो फिर कल परसों में जाऊँगी बाहर, भी मिल जाएगा तो फिर ठीक है। मैं आ चुकी पार्किंग में, यहाँ से गाड़ी लेंगे और फिर चलेंगे क्योंकि बिना गाड़ी का मार्केट जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि होगा तो उधर से सब्जी भी लेके आऊँगी
एंड फिर हाथ में उठा के लाना बहुत भारी लग जाता है। थोड़ा बहुत लेना होता है तो बिना गाड़ी का भी चल लेते हैं, बट क्या पता सब्जी भी लाना हो जाए तो कोई ठीक नहीं है ना। हे गाइस, तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा दुकान मिल गया है तो मैं यहीं से ले लेती हूँ सारा सामान। तो हमने जो पूजा में जो जरूरत होता है दीप एंड एक होता है जिसमें गौड़ी बनाते हैं उसके लिए, तो मैंने दोनों ही ले लिया है। इसके अलावा नहीं कुछ होता है। उसके बाद जो भी यूज़ होता है बर्तन वो पीतल का होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी ही। सो चलते हैं, और कुछ जो भी लेना है वो थोड़ा बहुत वो ले लेते हैं। पूजा की दुकान पे वहाँ पे रक्षा सूत्र और रक्षा सूत्र वगैरह ले रहे हैं इसलिए वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से वो सामान ले लेते हैं। फिर कुछ सब्जी अगर पसंद आया, कुछ सब्जी चाहिए होगा तो ले लेंगे, क्योंकि अब दो तीन दिन में मिस्टर कुमार भी आने ही वाले हैं। सो सब्जी फ्रिज में है नहीं हमारे, बस थोड़ा बहुत है जिससे काम चल रहा है, तो लेना तो पड़ेगा ही। देख सकते हैं ये गेट लॉक है, मैं दो मिनट से खड़ी हूँ, तो फिर मैंने ना इस नंबर पर कॉल किया है तो भैया बोले हैं कि आ रहा हूँ, बस एक मिनट रुक जाइए। तो मैं तब तक वेट कर रही हूँ, फिर यहाँ से सामान ले लेंगे। इतने दूर में ना एक ये पूजा का दुकान है, मतलब जिसपे सामान बिकता है, तो यहीं से ले लेंगे। दो मिनट वेट कर लेते हैं वैसे। जो सामान था वो भी ले लिया है और अभी घर चलेंगे, बाजार में देख लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ बहुत कम अगर लेना होगा तो लेके फिर घर चलेंगे। आज की शॉपिंग हो गई, मुझे लगता है पूजा का ऑलमोस्ट सामान जो मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब थोड़ा बहुत ही रह गया होगा वो देख लेंगे बाद में। तो वो कच्चा सामान रह गया होगा, जैसे कि और चीज़ें चढ़ाई जाती है इसलिए मूंग चना वगैरह, तो ये सब कच्ची चीज़ है, तो ये सब उस टाइम पे देख लेंगे कि क्या करना है। अभी जो मेनली लेना था सामान वो ले लिया, अब जो भी है वो कच्चा सामान है। तो 29 को बताऊंगी कि वो सब कैसे रखना है, क्या करना है, ठीक है। फिलहाल तो मैं मार्केट आ ही गई हुई हूँ, देख सकते हैं आप। तो फिर यहाँ से फिर घर, पतासा भी चढ़ाई जाती है तो वो मैं ऐसे जानकारी के लिए पूछ लेती हूँ कि भैया बनाते हैं या नहीं। एक यहाँ पे स्वीट्स का दुकान है छोटा सा, उसमें पूछ लेती हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर वो मुझे पहले अरेंज करना पड़ेगा मतलब दूसरी जगह से। याद आया कि एक पैर क्लीन करने वाला भी ले ही लेते हैं, तो मैं आई हूँ मेगा मार्ट में, इसमें से ले लेते हैं। पीछे कितना अच्छा व्यू है ना सनसेट का, सुपर्ब। आज मेरे ब्लॉग में देखो कितना अच्छा सनसेट आया, सुपर्ब। सारे शॉप में आओ तो कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। मुझे अभी याद आया कि मेरे घर में ओरिगैनो ख़त्म था, तो सो मैंने ओरिगैनो भी लिया है।
मैं ये ले लेती हूँ। ये भी शॉपिंग डन, अब कोई काम नहीं है आज। हाँ जी, वो कोई काम नहीं है आज, सब्जी नहीं ले रही हूँ क्योंकि नहीं ले रही हूँ, वो आएंगे ना फिर लेंगे कुछ। अभी सब्जी नहीं ले रहे हैं, तो अभी अब मेरा काम हो गया ख़त्म, पूजा का सामान भी ख़त्म, ये जो था याद आया है वो भी काम ख़त्म, एंड जो मिट्टी के कुछ बर्तन लेने थे, दीप वगैरह लेना था, वो भी ख़त्म। बस अब कितना अच्छा व्यू है ना। तो जो पूजा की थोड़ी बहुत छोटी सी शॉपिंग थी तो वो मैंने कर ली है, वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आगे मैं पूजा की क्या क्या प्रिपरेशन करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो ये बहुत छोटा मोटा शॉपिंग था जो 3-4 दिन पहले कर लिया है मैंने। बाकी अब जो भी तैयारियां होगी वो 29 को होगी, क्योंकि 30 को वट सावित्री पूजा है तो 29 को करेंगे। तो फिर मैं आपको उस ब्लॉग में बाकी चीज़ें शेयर करूंगी कि क्या चीज़ कैसे करते हैं, एक दिन पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ ख़त्म, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।